दोस्तों, तो आज सीलिंग फैन जो है वो वॉश कैसे करते हैं। जैसे कि मेरा सीलिंग फैन है वो थोड़ा साउंड निकल रहा है, तो उसको थोड़ा ग्रीजिंग करना है, उसमें ग्रीज डालना है, थोड़ा साफ उफ करना है, साउंड देता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। तो ये सब स्क्रू है, 3 स्क्रू, और वो जो पंखा का होता है वो अलग से होता है। तो ये मैं पहले से खोल के रखा हुआ है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तो ये मैंने खोल के रख लिया पंखा, ये इसको अभी खोलेंगे, और सब नहीं खोलेंगे, बस हमको ग्रीजिंग करना है। बस मिडिल वाला जो पार्ट होता है, राउंड वाला, वो हम निकाल लेंगे। तो निकाल के हम ये अच्छा से कपड़ा से पोंछ लेंगे, दोनों नीचे वाला पार्ट भी, ऊपर वाला जो कॉयल है वो पार्ट भी। तो आपको कॉयल टू खोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो आप अगर नहीं जानते हैं तो ये खोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है बाद में। अंदर वाला अगर वायर टूटा हुआ है तो जॉइंट करने में दिक्कत आएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है वो खोलने के लिए। इसको आपको ग्रीस अच्छा से लगा देना पोंछ के। फिर जो ये है, इसका कॉयल का अंदर में और एक बेयरिंग रहता है, तो मैं उसमें पहले से लगा दिया हूँ। तो ये ऊपर वाला रोड में भी लगाना है थोड़ा ग्रीज। तो फिर इसको आराम से, इसको जो है नीचे वाला पार्ट है राउंड वाला, उसको फिर लगा देना है, इसमें फिटिंग कर देना है। ये फिटिंग करने का बाद में जो ऊपर का वायर में कनेक्शन दिखाता हूँ आपको, जो कैसे किया जाता है। तो पहले हम ये लगाएंगे, ये जो 3 एक ही साथ में मिला के बिठा के फिर लगाएंगे। तीनों में लंबा लंबा स्क्रू सब होगा, बाकी पंखा में छोटा छोटा दो दो करके 6 स्क्रू, टोटल 6 3 9 स्क्रू होगा। तो चलिए फिट करते हैं। तो ये ग्रीन वाला जो वायर है ये मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि ये जल गया था। तो ये वाला एक्चुअली ग्रीन नहीं रहता है, ये रहता है ग्रेट। तो ये वाला ये रेड से हम कनेक्ट कर दिया है, ये जाएगा आपका कॉन्डेंसर में। तो कॉन्डेंसर से फिर और एक टू निकलेगा, ये जाएगा आपका स्विच में। तो इसमें हम ब्लैक टिप मार लेते हैं पहले, नहीं तो शॉर्ट होने का चांसेस है। तो ये आ गया आपका कॉन्डेंसर से स्विच वाला। तो नेक्स्ट आता है फैन का अंदर से, आता है 2। तो 2 में और 1 कॉन्डेंसर में जॉइंट होगा, जो येलो कलर का कॉन्डेंसर का आता है, और अंदर में येलो कलर का 1 रहता है, एक रहता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो हम तीनों तार एक ही साथ में जॉइंट कर देंगे, इसको फिर अच्छा से ब्लैक टेप मार देंगे। तो ये ब्लैक टेप मारने के बाद में जो आपका अंदर से और एक आएगा रेड कलर का, जो मैंने ग्रीन कलर का लगाया हुआ है, वो जाएगा आपका मेन कनेक्शन में। रेड कलर का हो गया मेन अर्थिंग स्विच का, जो अंदर में डायरेक्ट जाता है। फिर जो कॉन्डेंसर से सिंगल वायर निकला है वो आएगा आपका पॉजिटिव। तो चलिए हो गया वायर फिटिंग, तो हम स्क्रू फिट करते हैं। लॉक 1 है, ये लॉक लगा लेते हैं पहले, नट लगा लिया, नहीं तो नट थोड़ा लूज़ भी हो गया तो निकालने का चांस रहता है ना, तो लॉक रहने से वो थोड़ा डर कम रहता है। तो ये हो गया लॉक, मैंने फिटिंग कर लिया। तो अब स्क्रू सब फिटिंग करेंगे। स्क्रू फिटिंग करने के बाद में हम फाइनली फैन ऊपर में सीलिंग में लगा के, तो देखेंगे कितना स्पीड हो रहा है, क्या साउंड दे रहा है, क्या कर रहा है कुछ। तो चलिए फिटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा लॉस करना नहीं चाहता हूँ आप लोगों का। तो चलिए फिटिंग कर लेते हैं। तो हम फिर फैन का स्विच ऑन करके देखेंगे कितना फास्ट घूम रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो फाइनली ये फिटिंग हो गया, तो स्विच देख के इसको टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा स्पीड आ रहा है इसका, इतना स्पीड नहीं था पहले, तो अभी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप भी ट्राई कीजिए एक बार। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।